मुजफ्फरनगर में क्वारंटाइन 10 जमातियों में एक मिला पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर में 7 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। खतौली की आयशा मस्जिद में रुकी थी 10 लोगों की जमात। कोरोना पॉजिटिव मरीज को किया गया हॉस्पिटल में क्वारंटीन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण चोपड़ा ने की कोरोना की पुष्टि। तबलीगी जमात से जुड़ा है कोरोना संक्रमित जमाती। पुलिस प्रशासन ने खतौली के वार्ड नंबर 20 को किया सील। 10 जमातियों की जांच रिपोर्ट में 9 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव मिला। कोरोना संक्रमित जमाती मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 17 दिन पहले दिल्ली से खतौली आया था पॉजिटिव जमाती। खतौली थाना क्षेत्र की आयशा मस्जिद में मिला पॉजिटिव जमाती। अभी एक जो सीएमओ साहब ने पुष्टि की है कोरोना पॉजिटिव केस की, ये हमारे ऑलरेडी जो केस पॉजिटिव आया वो हमारे पास कई दिन से पहले से ही हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है इस समय बीआईटी में। और आज जब उसकी केस पॉजिटिव की खबर निकली है तो उनको हम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं आइसोलेशन वार्ड में हमारे। और जो भी जो जिस एरिए के वो हैं वहाँ पे अपनी हम सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लोग जो संभावित हो रहे हैं उनको भी हम चिन्हित कर लिया हम लोगों ने, उनको भी हम इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर रहे हैं यहाँ पे सिटी में। और जो उनको हम वहाँ से लाके हम अपने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कितनी संख्या होगी? अभी तो एक मरीज है, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आई होप सो 6-7 लोग हो सकते हैं। टोटल संख्या कितनी होगी अब तक पॉजिटिव की? पॉजिटिव की हाँ लगभग 6+1 7 हो गई है। कहाँ से आया सर वो?